अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो अब। फाइनल मुकाबला जो उनमें से टीम है ज्यादा अंक लेगी वो प्रथम स्थान पर, और उसके बाद दूसरी रनर अप टीम हमारी द्वितीय स्थान। टॉस की प्रक्रिया पूरी करते हुए सभी इस खिलाड़ी ने फाइनल तक पहुंचाने में असलम ईमानदार है, और ये है नितिन राहुल की जोड़ी और रोहित गुलिया, दोनों ने बिल्कुल टैकल किया। अब रेड पर है रणधीर जी सहरावत का ये परम शिष्य पवन सहरावत, बड़े अच्छे अर्जुन तैयार किए थे। टू पॉइंट जो उसके अंदर जोग कर रहे हैं, कोई किसी पद को अधिकारी के पद को सुशोभित कर रहा है, कोई दूसरे पद को सुशोभित कर रहा है, पवन सहरावत। और ये स्टार रनिंग है इस खिलाड़ी का, ये ट्रेडमार्क है, ये दो नंबर की जर्सी का जो मार्क, बहुत अच्छी टीम महाराष्ट्र। राइट कॉर्नर पर रविंदर पहल प्यार से बिंदा बोलते हैं, घूमड़ जिला सोनीपत। देखिए टोटच का दावा किया है और रोहित गुलिया ने हाथ पवन सहरावत, अभी कंधों पर जिम्मेवारी होगी। संजीव जी बाल्याण कोच है, अर्जुन अवार्डी है, असलम ईमानदार प्रो कबड्डी का माना जाना खिलाड़ी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सीजन 8 में इस खिलाड़ी की रही है। असलम ईमानदार की जोड़ी को तोड़ा, दोनों की जोड़ी है। वो भी तैयार रहेंगे सर, आपको भी सम्मानित करना है, और दो हमारे इस चैंपियनशिप में सर अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी, एक संदीप नरवाल हाल ही में भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड दिया, और दूसरा दीपक निवास हुड्डा, वो खिलाड़ी भी तैयार रहेंगे। एक एक पॉइंट दिया फिर महाराष्ट्र की तरफ से, इशारा है टू और डाई, तीसरी रेट बोलते हैं इसको, एमएचओर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अमेंडमेंट है कबड्डी में रहे हैं, बिल्कुल है, कोई भी खेल है। और ये है रविंदर पहल प्यार से बिंदा बोलते हैं, 60 पॉइंट लेकर ये पहले स्थान पर डिफेंडर के रूप में सम्मानित किया गया था। सुपर टैकल होम है, you
ऊपर तय कर लिए। एक नंबर की जर्सी का खिलाड़ी जिन्होंने प्रदीप नरवाल हिंदुस्तान में बड़ी जोड़ी है। 2 ग्राम का था
लेकिन धीरे धीरे कटते चले। मुगलों की बात है चाहे अंग्रेजों की बात है, अब 102 ग्राम का वो हीरा अब भी हमारे पास नहीं है, वो ही हीरा। सभी साथ में रहेंगे, अध्यक्ष एवं नव निर्वाचित राज्य सभा सांसद किशनलाल जी पवार, सम्मानित करते हुए धन्यवाद सर। चार दिन से बड़ी जिम्मेवारी सर आपको सैल्यूट करते, जब से आपने एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा का कार्यभार संभाला है, और ये 4 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश दो भागों में बटा हुआ, चाहे कंकड़ की बात है विदर्भ की बात है, 33 जिले हैं, 11 विदर्भ में है और 22 जिले कंकड़ में है, उस प्रदेश की टीम है जहां कबड्डी से का शुभारंभ इस प्रदेश को माना गया, तमिलनाडु सहयोगी प्रदेश है और ये शानदार टैकल है। ये है प्रवेश भैंसवाल की गाड़ी, जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं संदीप नरवाल अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं और दीपक निवास हुड्डा अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं और प्रदीप नरवाल भीमा अवार्डी हैं, साथ में मनदीप सिंह जी हमारी सीटीएन ऑफिस से हैं, आदरणीय मनदीप जी जहां कहीं आवाज सुन रहे मनदीप जी। और भीमा वार्डी प्रदीप नरवाल मंदिर को सम्मानित करते हुए हमारे बीच में है सीटीएम ऑफिस से। देखिए भाई थोड़ी सी शांति बनाए रखें, और ये महाभारत में अभिमन्यु के वध की तरह सभी योद्धाएं साथ के साथ टूट पड़े। और फिर महाराष्ट्र की तरफ से 3 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी है असलम, ये खिलाड़ी की खासियत है दो खिलाड़ियों को बिल्कुल टच करता हुआ, कोच के द्वारा गुरु मंत्र देते हुए स्टैक जी के तहत
रही है। मैं समझता हूं इनकी भाषा में सातवों को हाथ लगा कर भेजा तब कहीं जाके मुकाबला बराबरी कर दूंगा। और इंडियन रेलवे के खिलाड़ी बड़े चौकन्ने हैं, उन्होंने असलम को टैकल करने का काम किया। दूसरे हमारे जितने ऑफिसल विश्वास जी मोरे टेक्निकल है इंचार्ज है, चैंपियनशिप पर आपको बधाई देंगे। चार दिन से बहुत अच्छी टीम आपने उतारी, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार। इंडियन रेलवे की तरफ से यदि इसके जन्म स्थान की बात की जाए तो बवाना दिल्ली के अंदर ये गांव है। बड़े फंडरेड का इशारा है। अजीत सिंह जी मैं अनुरोध करूंगा मैच समाप्ति के तुरंत बाद दोनों टीमों को महाराष्ट्र प्रदेश और इंडियन रेलवे को आप और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे पैसे फेंक के मारो या फिर मेरा सोना उस पे डंबल मारो या प्रोटीन फेंक के मारो उस पे सादा कोक मारो या मसाला उस पे छक्का मारो या उस पे लात मारो। कूदो टब्बे खाओ कुछ भी करो लेकिन वो दब जाना चाहिए।